हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग यहां पर सीखने वाले हैं, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका थ्योरम है, काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप बिल्कुल बारीकी सीखेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है? गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई हम मान के चलते हैं, यहां पर एक चालक तार बना लेते हैं अनंत लंबाई का, ये लो हमने इसको मान लिया कैपिटल एल लंबाई का, ये क्या है? चालक तार है। ठीक है, इतना क्लियर है। क्या बोला है? अनंत लंबाई की सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो यहां पे मैं मान के चलता हूं इससे आर दूरी पर, ठीक है, यहां से मैं मान के चलता हूं इससे आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। एक बिंदु क्या है? पी है, ठीक है, जिस पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर है, यहां पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्वेश्चन में बोला है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से। अब गॉस का जो प्रमेय होता है केवल बंद पृष्ठ के लिए होता है, तो हम एक बंद पृष्ठ के लिए कल्पना करते हैं, इसके चारों ओर, जैसे हमारा एक यहां पे चालक तार है, एक चालक तार है, इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर देते हैं। बंद पृष्ठ, जब आप बंद पृष्ठ बनाओगे तो इस प्रकार से कुछ बनेगा। देखिएगा जरा, एक बंद पृष्ठ आप बना रहे हो, यहां पर अब एक बिंदु दे देते हैं पी। जब एक बंद पृष्ठ बनाए तो ऐसा बंद पृष्ठ बनेगा। तो ये जो बंद पृष्ठ बनने वाला है वो बेलन के नुमा का हो गया। कैसे हो गया? बेलन के नुमा, यानी बेलन की आकृति का हो गया। अब इसके तीन पृष्ठ होंगे, जैसे हमारे मार्कर है, यदि ये बेलन की भांति है, देखो जरा हाई, ये बेलन की भांति, तीन पृष्ठ, एक आपका ये हो गया बक पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ ऊपर जो कि वृत्ताकार समतल पृष्ठ है, और एक इधर भी, तीन पृष्ठ हो गए। ठीक है, तो यहां पर मैं कह दूं यदि आपका ये पृष्ठ हो गया, इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, एस वन हो गया, ये जो एस टू है यहाँ पे एक एस टू हो गया मेरे बच्चों, इसकी दिशा इधर होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा S1 है, देखो जरा, इसका पृष्ठ इधर है, यदि इसकी बात करूं तो इसका इधर रहेगा, इसके चारों ओर यहां पर लूंगा तो इधर होगा, नीचे की ओर लूंगा तो ऐसा होगा, जहां भी लूंगा वैसे होगा। जैसे यहां पे हम यदि एक अल्प पृष्ठ माने तो इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। यदि मैं S3 की बात करूं तो S3 आपका S3 है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो ये आपका S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया, ये वाला पृष्ठ, ठीक है, ये पूरा सरपृष्ठ, ठीक है, और यहां पर एक अल्पांश मैंने मान लिया, इसको मैं कह देता हूं DS हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बेलन की जो लंबाई है उसको हम मान के चलते हैं स्मॉल एल, क्योंकि अनंत लंबाई का एक चालक तार था, कैपिटल एल अनंत लंबाई का एक चालक तार है ना, ठीक है। इसके किसी भी बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जब हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो इतना याद रहना चाहिए कि जब भी हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे या गॉस थ्योरम से संबंधित कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, क्योंकि गॉस का जो थ्योरम है केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए ही मान्य है। जो गॉस का थ्योरम होता है बंद पृष्ठ के लिए ही साबित होता है, सिद्ध होता है, बंद पृष्ठ के लिए ही बनाया गया है। गॉस थ्योरम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से, एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर जो भी आवेश होगा, और आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यही कहता है गॉस थ्योरम। तो अब जो हमारा अनंत लंबाई का एक चालक तार था, ठीक है, इसके चारों ओर एक हमने बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, जो कि बंद पृष्ठ एक बेलन की भांति है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, त्रिज्या आर है। इस बेलन पे तीन पृष्ठ हो गए। इस बेलन पे तीन पृष्ठ क्यों? क्योंकि एक ऊपर का पृष्ठ समतल वृत्तीय पृष्ठ, एक नीचे का समतल वृत्तीय पृष्ठ, और एक बेलन का बक पृष्ठ। ये आपका बेलन हो गया, इसके चारों ओर एक बक पृष्ठ, एक ऊपर समतल वृत्तीय पृष्ठ, और एक नीचे, यहां का भी कुछ एरिया होगा, इसका भी एक निश्चित सदिश होगा, है ना, इसकी दिशा होगी, ऊपर का भी एरिया है, इसकी भी एक निश्चित दिशा है, इसके चारों ओर का भी जहां भी बिंदु लोगे बाहर की ओर एक दिशा बताएगा, क्षेत्र सदिश जिससे बोलते हैं। तो शुरू करें आगे थ्योरम, ठीक है। अनंत लंबाई के समतल चादर, सॉरी, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या माना है मेरे बच्चों? कि माना अनंत लंबाई का चालक तार L है। क्या माना हमने? माना अनंत लंबाई का चालक तार, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। देखो जरा, ये अनंत लंबाई का चालक तार L है, चालक तार से R दूरी पर, चालक तार से
स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्वेश्चन में बोला है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम बोल रहे हैं एक अनंत लंबाई का चालक तार हो गया, इससे r दूरी पर एक बिंदु p है, उस पर कितनी तीव्रता ये निकालना है। ठीक है, सिंपल है, कर लेंगे सिंपल तरीके से। इतना क्लियर हो गया हो तो समझे आगे। फिर से एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि माना जो अनंत लंबाई का चालक तार l है, इससे r दूरी पर एक बिंदु p है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अनंत लंबाई चालक तार के चारों ओर, अनंत लंबाई के चालक तार के चारों ओर एक बंद पृष्ठ यानी एक बेलन की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं देखो जरा। ठीक है, अनंत लंबाई के चालक तार के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या तथा स्मॉल एल लंबाई, स्मॉल आर त्रिज्या तथा स्मॉल एल लंबाई की एक बेलन की कल्पना करते हैं, एक बेलन की कल्पना करते हैं एक बेलन की कल्पना करते हैं जो कि गाउसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, जो कि गाउसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। अब अच्छा, आप क्यों गाउसीय पृष्ठ ले लिए सर, ये बताओ जरा। तो हम पढ़ रहे हैं गास के प्रमेय का अनुप्रयोग। क्या पढ़ रहे हैं? गास के प्रमेय का अनुप्रयोग। और गास के प्रमेय के अनुप्रयोग में पहले बच्चों एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बंद पृष्ठ। तो जब हम बंद पृष्ठ बनाएंगे तभी तो हम गास का प्रमेय लगा सकते हैं। यदि बंद पृष्ठ नहीं रहेगा तो फिर गास का प्रमेय नहीं लगा सकते। तो एक अनंत लंबाई का आपका क्या है, एक चालक तार है ना। इसके हम यदि बात करें त्रिज्या की तो स्मॉल आर है और इस चालक तार से आर दूरी पर हमें तीव्रता निकालनी है। आर त्रिज्या स्मॉल एल लंबाई का एक क्या कर लिया हमने, बेलन की कल्पना कर दी। अब जो एक बेलन बना वो एक बंद पृष्ठ बन गया और एक बंद पृष्ठ जो है गास के नियम का पालन करता है, गास के पृष्ठ की भांति कार्य करता है या गाउस के पृष्ठ की भांति कार्य करता है। अब देखो, जैसे ही हमने बेलन बनाया तो बेलन के तीन पृष्ठ हो गए। कौन कौन सा पृष्ठ? एक एस वन, एक आपका एस टू और एक एस थ्री। ठीक है, तो बेलन को तीन पृष्ठों में बांटा जा सकता है। बेलन को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? पहला नंबर देखिएगा जरा, जो आपका पहला है क्या है, S1 समतल वृत्तीय पृष्ठ। दूसरा S2 बेलन का वक्र पृष्ठ और तीसरा आपका S3 समतल वृत्तीय पृष्ठ। ठीक है, फिर से मैंने पहले ही बताया था कि जो बेलन है वो तीन पृष्ठ में डिवाइड हो चुका है, एक आपका वृत्तीय पृष्ठ ऊपर समतल का, एक नीचे और एक ये हो गया, तीन पृष्ठ है। मैंने पूरा डायग्राम में बता दिया, कंप्लीट। इतना समझ में आया? अब देखो जरा, यदि मैं कह दूं, थोड़ा समझिएगा, ये लंबाई है, चालक तार है। देखो, मैं थोड़ा भी शॉर्टकट में समझा रहा हूं क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तीन पृष्ठ हो गए। मैं मान के चलता हूं, माना प्रति एकांक लंबाई पर इसमें आवेश की जो मात्रा है, देखिए रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं, ये चीज मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, रैखिक आवेश घनत्व, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं कह दोगे सर कहां से आ गया। रैखिक आवेश घनत्व ये कहता है कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम बोलते हैं क्या, रैखिक आवेश घनत्व। और इससे यदि आप Q का मान निकालना चाहो तो लैम्डा एल हो जाता है। इसको हम लेकर चलेंगे और यही हमारे पास आगे काम में आने वाला है।
कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो माना यहां पर लिख देता हूं, माना प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा लैम्डा है। ठीक है, तब देखो जरा आगे काम आएगा, इसलिए मैं यहां पे कर दिया। तब लैम्डा बराबर आपका कितना हो जाएगा, क्यू अपान एल। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? या इसको ऐसा कर सकते हो, क्यू बराबर लैम्डा एल, ये आगे चलकर आपको जरूरत पड़ने वाला है। क्यू बराबर लैम्डा एल, एकांक लंबाई में कितना आवेश है उसका रैखिक आवेश घनत्व तो कहलाता है। अब सिंपल है, यहां पे तीन पृष्ठ हो गया, एक S1, एक S2 और एक S3। तीनों पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसका मान निकालना है। वैद्युत फ्लक्स है क्या, इस पृष्ठ से लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है उसका क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ये आपका पृष्ठ है, इससे कितने वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलते हैं वो आपका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितना लंबवत बाहर निकलता है फ्लक्स कहलाता है। अब जब इसमें आवेश होगा, क्यों आवेश होगा, तो इसकी जो तीव्रता है ऐसी होगी, ये ई है प्यारे बच्चों, क्या है ई है। चलो ठीक, अब यहां पर देखो जरा, आप S1 की बात करो तो S1 का दिशा ऊपर की ओर और तीव्रता इधर, तो कितना डिग्री बनेगा यदि S1 ऐसा है डायरेक्शन में और तीव्रता इधर है तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे कंडीशन में S2 का डायरेक्शन ऐसा है और तीव्रता का भी डायरेक्शन इधर ही है तो इनके बीच कितना डिग्री बनेगा प्यारे बच्चों, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। ओके ठीक सर, सही है। अब तीसरे की बात करें कि S3 का डायरेक्शन नीचे की ओर है और E का डायरेक्शन इधर है, तब यहां पर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन में आप थीटा देख लो। ठीक है, सिंपल है, बहुत शॉर्टकट में कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए। यहां पर देखो जरा, ये आपका क्या है, एक अनंत लंबाई का चालक तार है, इसके चारों ओर r त्रिज्या स्मॉल l लंबाई का एक हमने बेलन का कल्पना कर लिया। जब बेलन बनाया प्यारे बच्चों, तो इनके तीन पृष्ठ हो गए, एक आप S1 और एक दूसरा S2 और एक तीसरा S3। तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए हमको तीनों का फ्लक्स निकालना पड़ेगा, कुल फ्लक्स निकालना है, यानी कुल आपका विद्युत क्षेत्र रेखा कितना होगा। तो S1 से कितना गुजर रहा है ना, S2 से कितना गुजर रहा है, S3 से। तो एक चीज यहां पर ध्यान देना, मैं आपको सिंपल बताता हूं कि तीव्रता की डायरेक्शन इधर है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर जा रही है, ना तो ऊपर जा रही ना तो नीचे जा रही है, समझ रहे हैं। तो यहां भी शून्य होगा, यहां भी शून्य होगा, समझो। जहां पर कुछ तीव्रता ही नहीं है, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही नहीं है, वहां पर फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, इससे गुजर ही नहीं रहा है। ये आपका एक बेलन हो गया, ये आपका बेलन हो गया, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी चल रही हैं, सिंपल है, ऊपर नीचे नहीं जा रही। तो भैया ऊपर भी शून्य, नीचे भी शून्य, लेकिन ये कैसे कह सकते हो शून्य सर, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं, देखना जरा मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करो, तभी मजा आएगा, देखो जरा। ठीक, आगे देखना, बेलन के S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखिएगा जरा, फ्लक्स कैसे निकालते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E into ds, सही बात है कि नहीं? हां सर, एक अल्प पृष्ठ है, समाकलन का मतलब उसके पूरे पृष्ठ का। लेकिन यदि मैं यहां पे तोड़ू जरा, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, EDS cos और आपका 90 डिग्री, मैंने पहले भी बताया था, सही बात है सर, यहां पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, S1 का दिशा ऊपर की ओर है, तीव्रता की दिशा इधर है, तो भैया दोनों के बीच 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है, शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है। ये आपका पहला नंबर आ गया, बेलन के पृष्ठ S1 से गुजरने वाला है ना वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, यहां पर दूसरा नंबर निकाल देता हूं, बेलन के पृष्ठ S3 से गुजरने वाला
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। चलो सर, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? समाकलन E इंटू डी एस, और E इंटू डी एस जब इसको तोड़ते हैं तो आपका निकल कर आता है E डी एस कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना 90 डिग्री, तो इसका मान भी कितना आ गया, 0 आ गया। ये कैसे आ गया 0? हम बता रहे हैं ना कॉस 90 का मान 0 होता है। अब एक चीज और यहां पर ध्यान देना है कि जब हम वैद्युत फ्लक्स पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं कि कोई भी पृष्ठ है उससे लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होती है, इसको हम दर्शाते हैं फाई से। थोड़ा यहां पर आपको डाउट क्लियर हो गया हो तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं, मिटा सकूं और आपको समझा सकूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फास्ट करो प्लीज, हरी अप। ठीक, ज्यादा मैं आपको है ना यहाँ पर कठिनाइयों पे नहीं डालने वाला, एकदम जो सॉलिड है वही चीज करवा रहा हूं, ज्यादा हिंदी भी नहीं लिखा हूं। देखो जरा थोड़ा समझिएगा, मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाना चाहता हूं कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स के लिए फार्मूला और ये क्या चीज होता है। तो सबसे पहले तो आप समझो कि जब ए डॉट बी की बात करते हैं तो ए बी कॉस थीटा होता है, मतलब जो थीटा है वो क्या है, ए बी के बीच कोण, ए बी के बीच कोण। ओके, ये अदिश गुणनफल है, सदिशों का अदिश गुणनफल है, सदिशों का अदिश गुणनफल। ये कहां पढ़े सर? 11th क्लास में, और नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लो ये चीज। तो ये फार्मूला लग रहा है। अब मैंने आपको एक चीज फ्लक्स में बताया था कि यदि अल्प पृष्ठ के लिए बात करूंगा तो E इंटू डी एस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E इंटू डी एस हो जाएगा। लेकिन ये एक आपका एक छोटा सा पृष्ठ है, ये अल्प पृष्ठ मतलब डीएस के लिए, यहां भी एक छोटा सा पृष्ठ मान सकता था, यहां भी एक छोटा सा पृष्ठ, और जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात कर देते तो फाई इसका क्या कर देंगे, समाकलन किसका, डी फाई ई का कर देंगे। और जी सर समाकलन कर दिए तो ये E इंटू कितना हो जाता है, डीएस हो जाता है। जी सर यही चीज है, और यही चीज हमने यहां पे भी लगाया, और जब तोड़ा तो ए बी कॉस थीटा, यहां ए का मान ई है, बी का मान डी एस है, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। थीटा का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री, हमने पहले भी आपको समझा दिया, 90 डिग्री पहले भी आपको समझा दिया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलो तीसरा नंबर अपना आ रहा है, कौन सा आ जाता है। ठीक है, देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आप समझाता, हिंदी इसीलिए नहीं लिख रहा हूं। तीसरा नंबर आपका हो जाएगा बेलन के पृष्ठ, बेलन के पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं बच्चा लोग, फ्लक्स के लिए समाकलन कर देते हैं E इंटू डी एस। सही बात है सर। अब चलो बताओ E डीएस का क्या होता है, E डॉट डीएस यानी आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो E डीएस कॉस 0 डिग्री, ये इंट्रीगेशन लगा रहने दो, इंट्रीगेशन लगा रहने दो, आगे सॉल्व करो। तो सॉल्व करो भैया, कितना निकल कर आएगा देखिएगा जरा, ये आपका जो हम बात कर रहे हैं डीएस का, तो कॉस 0 का मान 1 होता है कि नहीं, हाँ सर होता है। तो निकल कर आएगा ई बाहर, और यदि बात करूं ये तो ये आ गया आपका। ठीक, अब ये डीएस क्या है, हम बात कर रहे थे S1 और E के बीच 90 डिग्री, हाँ सर 90 डिग्री रखा, कास 90 का मान 0 हो गया, चूंकि लिख सकते हो कास 90 डिग्री बराबर 0, सिंपल है, चूंकि कास 90 डिग्री बराबर 0, सिंपल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमने कहा S1 और E के बीच तो 90 डिग्री, बिल्कुल सही है, S1 की दिशा ऊपर की ओर, तीव्रता इधर, तो 90 डिग्री। S3 की बात की हमने जब, तो S3 का डायरेक्शन नीचे की ओर, तीव्रता इधर, तो 90 डिग्री। लेकिन जब हमने बात किया भैया S2 का, तो S2 भैया इधर ही डायरेक्शन देख लो आप लोग, यहाँ पे दी अल्प पृष्ठ मानो डायरेक्शन इधर, तीव्रता भी इधर, तो ये एक दूसरे के बीच कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब देखो चूंकि यदि मैं बात करूं इसकी, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, जो कि क्या होता है 2πRL, h होता है, लेकिन l यहां पे क्यों होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई या लंबाई जो है l है, कितना है l है, तो यहां पर l हो जाएगा, क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। क्लियर है बच्चा लोग, यहां तक कंप्लीट है, कंफर्म 2πRL, तो अपना कितना आ जाएगा, ठीक है बेलन के पृष्ठ से, तो यहां पर आ जाएगा निकलकर E इंटू 2πRL, ये आ चुका है, ये S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है संपूर्ण,
क्या निकालना है, कुल निकालना है, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना निकालना है। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, अतः अतः बेलन के संपूर्ण संपूर्ण गलत लिख गया यार, कोई दिक्कत नहीं, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ S1 प्लस S2 प्लस S3 से गुजरने वाला वैद्युत क्या फ्लक्स बताओ सर कितना होगा। अब डाउट यहां से भाई, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ठीक है, और नहीं ले रहे तो फिर आपकी कमी है, इसलिए मैं बार बार किनारे भी हो जाता हूं कि स्क्रीनशॉट तो आपका बिल्कुल ना छूटने पाए, स्क्रीनशॉट तो आपका बिल्कुल ना छूटने पाए। देखो जरा कितना आ जाएगा, कुल फ्लक्स हम फाई से दर्शाते हैं, ये पीछे का है ठीक है, फाई से दर्शाते हैं। पहले एस वन का जीरो हमने निकाला था, एस टू का हमारा कितना आ गया, एस टू का देखो जरा ई इंटू टू पाई आर एल ठीक है, और एस थ्री का जीरो निकल कर आया था। एस वन और एस थ्री एक दूसरे के विपरीत या समांतर है तो जीरो मार दो, खत्म कहानी ठीक। तो जो फाइ ई का मान निकल कर आया आपका कितना आया, ई इंटू टू पाई आर एल, कितना ई इंटू टू पाई आर एल। अब हम किसका अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं बच्चा लोग, घास के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और घास का प्रमेय क्या कहता है, फाइ बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो घास प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से, गाउस का प्रमेय क्या कहता है, फाइ ई बराबर आवेश का वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। चलो क्लियर है, जरा समीकरण कुछ दिया, कहीं दिया नहीं दिया तो भैया ये समीकरण एक दे दो और समीकरण दो दे दो। अब ये भी फाई, ये भी फाई, दोनों हमारा यदि लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर हो जाएगा, सही है कि नहीं, लेफ्ट बराबर तो राइट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से निकल कर आएगा आपका समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक क्या कहता है आपका, ई इंटू टू पाई आर एल बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक है। चलो यदि हम ई बराबर निकालना चाहें तो कितना निकल कर आएगा, वन अपॉन टू पाई है तो टू पाई रहने दो, और एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट रहने दो, क्यू है तो क्यू रहने दो, आर एल है तो आर एल रहने दो। जरूरत पड़ेगा, यहां तक दिख रहा है, दिख रहा भैया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको मिटा देंगे और थोड़ा सा इधर पक्षांतर कर देंगे ठीक है। जरा इधर क्लीन करो फटाफट, देखो भैया कंप्लीट करते चलो यार, स्क्रीनशॉट लेते चलो, नहीं दिक्कत हो जाएगी आपको, दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ठीक है ठीक, कोई दिक्कत देखना था, थोड़ा सा देखो। यदि मैं कह दू चूंकि क्यू बराबर लैम्डा एल होता है, सही है क्या, सही है क्या, हाँ सर क्यू बराबर लैम्डा एल, देख लो क्यू बराबर लैम्डा एल, तब कितना हो जाएगा, ई इंटू टू पाई आर एल क्यू बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो जरा एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर कितना निकल कर आएगा आपका, कितना हो जाएगा लैम्डा तो लैम्डा रहने दो, इधर कितना हो जाएगा टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर ठीक है। ये आगे आपका कंप्लीट, यही है तीव्रता, यही है तीव्रता, इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना, इतने में आपको चार अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। यदि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सीरीज अलग से कराऊंगा, अभी थ्योरम जो है थोड़ा सा अलग रहता है, मेरा कोशिश यही रहता है कि थ्योरम अलग से करा दूं, ऑब्जेक्टिव अलग से और न्यूमेरिकल अलग से, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें और बेहतर रूप से तैयारी करते चले। जो भी टॉपिक हो, जो भी डाउट हो, आप सभी कोचिंग क्लासेस में सर्च कर सकते हैं, पुराने वीडियो भी मिल सकते हैं, अभी नए बैच के भी वीडियो मिल सकते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो प्लीज थम्स अप कर दें, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे बच्चे क्या है शेयर नहीं करते, तो प्लीज यार शेयर करो ताकि आप लोगों के लिए हम निरंतर मेहनत कर सके, कार्य कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।